नमस्कार दोस्तों, आज का ये प्लान 35x45 फीट के घर के लिए हम लेके आए हैं। प्लान की मुख्य बात यह है कि पूरे प्लान में आपको वास्तु समझाया जाएगा कि पूर्वमुखी मकान किस तरह आपको बनाना चाहिए ताकि वो शुभ हो। सबसे जरूरी मकान या दुकान कुछ भी आप निर्माण करते हैं तो उसमें जरूरी चीज होती है वास्तु। अगर उसका वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक रहता है। सबसे पहले देखिए, हमने जो प्लाट का साइज लिया है वो आप देखिए किस अकॉर्डिंग लिया है। 35 फीट प्लाट का आगे से साइज है, 35 फीट पीछे से चौड़ाई है, ठीक है। 45 फीट दोनों तरफ से लंबाई है, इधर से भी 45 है और इधर से भी 45 है। तो किसी भी प्लाट को आप लेते समय सबसे वो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले देखिए प्लाट में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। जैसे इसके देखिए कॉर्नर वगैरह सब सही है, कोई कॉर्नर कटा हुआ नहीं है क्योंकि बराबर लंबाई और चौड़ाई है। 35 आगे से चौड़ाई है तो 35 पीछे से, 45 लंबाई है तो 45 लंबाई है, तो कोई भी कॉर्नर कटा हुआ नहीं है, तो प्लाट में कोई वास्तु दोष नहीं है। मुख्य बात यह है कि अपना जो प्लाट है ये आगे से फ्रंट से जो ओपन रह रहा है जगह, जो मुख्य आपका दरवाजा लगेगा वो पूर्व मुखी लगेगा। अब काफी लोगों के सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि सर पूर्व मुखी किसे कहते हैं। देखिए, जिस तरफ सूर्य उदय होता है, सूर्य भगवान जिस तरफ से उदय होते हैं वो दिशा ईस्ट यानी कि पूर्व मानी जाती है, सबसे शुभ दिशा होती है। तो आगे रोड की तरफ आपके पूर्व दिशा है, इसलिए अपना जो घर है वो पूर्व मुखी कहलाएगा। तो इस घर का जो वास्तु होगा वो भी पूर्व मुखी घर के अकॉर्डिंग ही पूरा वास्तु इसमें सेट होगा, तभी ये शुभ बन पाएगा। तो कैसे आपको बनाना है आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप पूर्व मुखी घर का निर्माण करें वास्तु के अकॉर्डिंग आपको स्पेस छोड़ना है, यानी कि 35 फीट आगे से इसकी चौड़ाई है तो वास्तु अकॉर्डिंग हम जो मुख्य द्वार देंगे, जो लोहे का मुख्य द्वार होगा, वो यहाँ पर लगेगा। इस एक प्लान में आपको पूरे घर का वास्तु बता देंगे। आपको कभी भी आप घर बनाए या आपका पुराना घर भी है तो आपको वास्तु संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपना मेन दरवाजा लग जाएगा, मुख्य द्वार। फिर आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे देखिए शुभ रहता है कि आपके जो पूर्व दिशा में आगे की तरफ थोड़ा स्पेस आप छोड़ें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा स्पेस छोड़ा गया है आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया लोन, यहाँ पर आपका बगीचा वगैरह लग जाएगा इतने स्पेस में। और ये होगी आपकी पार्किंग, क्या हो गई पार्किंग। ये ओपन छोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ये जो आपका ईशान कोण है, देखिए चारों तरफ हमने दिशाएं लिखकर बता रखी है कहां पर कौन सी दिशा है, आपको समझने में आसानी रहेगी, ये पार्किंग होगी। फिर इधर आपको बोरवेल, यानी कि जब भी आप बोरवेल खुदवाएं अपने घर के अंदर तो सबसे मुख्य जो आपका कॉर्नर होगा यही होगा बोरवेल के लिए। यहाँ बोरवेल आ गई, यहाँ लोन आ गया, यहाँ पार्किंग आ गया, आगे का सारा क्लियर है आपके। उसके बाद में देखिए, आप अंदर प्रवेश करेंगे तो बाहर हमने बरामदा दिया है। बरामदा यानी कि सिट आउट, सिट आउट कहते हैं, जहां पर आप आराम से बाहर बैठ सकते हैं। कोई आपके गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए भी आप चेयर वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं, तो बाहर बैठने का एक अलग ही अपना मजा होता है, तो ये सिट आउट दिया गया है। उसके बाद अंदर का मुख्य द्वार, जो जब भी आप किसी घर का निर्माण करते हैं तो देखिए मुख्य द्वार दो होते हैं, एक तो आपका लोहे का मुख्य द्वार, एक अंदर का मुख्य द्वार। काफी लोगों के कंफ्यूजन रहता है तो इस चीज को आपको क्लियर कर देते हैं कि मुख्य द्वार आपको उस हिसाब से रखना है जैसा वास्तु के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो मुख्य द्वार आपका यहाँ पर रहेगा। फिर आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका ब्रह्म स्थान, यानी कि हॉल प्लस डाइनिंग एरिया हो गया है। कभी भी वास्तु के अकॉर्डिंग ये नियम रहता है कि यहाँ पर आपको कभी भी निर्माण नहीं करवाना है, यानी कि इस जगह को इग्नोर करना है, खुली छोड़ना है। पहले के समय में लोग छत तक आए तो खुली छोड़ते थे जिससे सूर्य की किरण सीधी आंगन में आए, बट आजकल ये पॉसिबल नहीं हो पाता है सभी घरों में क्योंकि काफी आंधी वगैरह आती है या घर की सेफ्टी पर्पज से। तो आप इसको अगर ऊपर से कवर कर रहे हैं बट नीचे से आपको इसको ओपन ही रखना है, यानी कि आंगन आपका एकदम ओपन रहना चाहिए, वहां पर किसी तरह का निर्माण नहीं रहना चाहिए। फिर आप इधर प्रवेश करते हैं, यहां पर आपका डोर लगेगा, दरवाजा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। फिर आप अंदर प्रवेश करेंगे तो ये क्या है, देखिए अग्नि कॉर्नर है, अग्नि कॉर्नर में यहां पर आपका बनेगा रसोई घर। तो ये आपका रसोई घर आएगा, पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग रसोई घर बनाना है। यहाँ पर एक खिड़की आपको आगे दे देनी है क्योंकि अपना लोन है, आप आराम से खिड़की दे सकते हैं। फिर एक खिड़की हम इधर भी दे सकते हैं क्योंकि इधर पार्किंग एरिया है, दोनों तरफ खिड़की पॉसिबल है, हम दे सकते हैं, ठीक है। साउथ साइड में अदर प्रॉपर्टी है, उत्तर साइड में भी अदर प्रॉपर्टी है, आगे और पीछे दोनों तरफ रोड जा रही है प्लाट में, उस हिसाब से पूरा प्लान है। अब देखिए, यहां से आपकी सीढ़ियां पूरी वास्तु अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज सीढ़ियां जा रही है। दक्षिण की दीवार को रखकर जो पूरी वास्तु अकॉर्डिंग रहेगी, दक्षिणावर्ती सीढ़ियां हैं, सबसे शुभ मानी जाती है, सुख समृद्धि का सूचक होती है। फिर आप इधर प्रवेश करें,
आप इधर प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे यहां पर आपका डोर लग रहा है, ये एक रूम यहां पर और दिया गया है, ये कमरा हो गया आपका। कमरे का जो आपका वेंटिलेशन है वो दक्षिण दीवार में आप नहीं दे सकते खिड़की, तो आप आंगन में खिड़की दे दीजिए, आराम से वेंटिलेशन हो जाएगा कमरे का। फिर आप ठीक सामने इधर एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक कमरा और दिया गया है, यानी कि ये हो गया आपका फर्स्ट रूम, ये हो गया आपका सेकेंड रूम। सेकेंड रूम में आप दो विंडो लगाना चाहें तो दो विंडो दे सकते हैं, पीछे की सड़क पर अगर एक विंडो रखनी चाहे तो एक बड़ी विंडो रख सकते हैं, 4x5 की या 4x6 की, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप बड़ी विंडो रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डोर दरवाजा हो गया, ये आपका सेकेंड रूम। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ डोर है, ये आपका लेटरिन बाथरूम है, कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया गया है ये आपका। इस कॉमन लेटरिन बाथरूम का वेंटिलेशन पीछे की तरफ हमने कर दिया है ताकि अच्छा वेंटिलेशन हो इसका। इसका आपको जब भी आप निर्माण करें बीच में आप एक छोटी सी वाल दे सकते हैं ताकि आराम से आपका वास्तु अकॉर्डिंग लेट बाथ बना रहे। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, ये आपका रूम नंबर हो गया 4, यानी कि 3 नंबर रूम है, सॉरी। इसमें भी आप दो विंडो दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, अगर एक विंडो रखना चाहें तो सिंपल एक विंडो रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने एक स्नान घर और दिया है, ये आपका स्नान घर हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसका दरवाजा लग जाएगा, स्नान घर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वास्तु अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर एक रूम दिया गया है, ये आपका 4 नंबर रूम हो गया। इसका एक ऑप्शन है रूम का कि यहाँ पर रूम की एक विंडो हमने इधर दी है, एक विंडो इधर दी है। अगर आप इसको एज ए गेस्ट रूम बाहर दरवाजा रखना चाहें तो इस खिड़की की जगह जहां पर हमने खिड़की दी है वहां पर आप डोर भी दरवाजा भी रख सकते हैं ताकि गेस्ट डायरेक्ट अंदर आए और एक दरवाजा आपके आंगन को टच करेगा, तो आप ये सेफली यहाँ पर अपने गेस्ट को बिठा सकते हैं, स्टे करवा सकते हैं। अगर आप आंगन में नहीं ले जाना चाहते, यहाँ सोफे वगैरह लग जाएंगे, ये आपका ड्राइंग रूम बन जाएगा। तो पूरा प्लान बहुत शानदार और बारीकी से रेडी किया गया है। ऐसे प्लान और आपको देखने हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों में भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कोई भी आपको चीज पूछनी हो तो। अगर आपको वास्तु अनुरूप घर का नक्शा रेडी करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वो पेड सर्विस रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।